Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So here I'm going to start today video. So before we start, please do like, subscribe my YouTube channel. So ताकि मैं आगे की जो भी interesting video मैं आपके साथ share कर सकूँ. So let's get start. So अभी आप ये पूरा greeny area देख रहे हैं. अभी हम hospital की तरफ जा रहे हैं. So that आपको पूरा in साइड व्यू में आपको पूरा शो कर सकूं. और रास्ते में जाते जाते मुझे यहाँ पर ये भंडारा दिखा जहाँ पर हलवा मिल रहा था. और मैंने एक्चुअली उन्होंने मेरी स्कूटी रोक कर मुझे बोला लेने के लिए, मैंने लिया. इनफैक्ट मैंने उनको पैक करने के लिए भी बोला तो उन्होंने मेरे लिए पैक कर दिया और फिर मैंने हॉस्पिटल में जाके उसको खाया. ओके सो यहाँ मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल के अंदर. और पहले यहाँ पर एंट्री लेने से पहले आप ट्राई करना, अगर आपका एडमिशन है तो आप अर्ली मॉर्निंग आए, मीन्स आप 7, 8, 9 बजे तक आप यहाँ पर आ जाए ताकि आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा, मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए. और यहाँ पर ये रेट लिस्ट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. अगर आप जनरल वार्ड में रहते हैं तो आपको 30 रुपीज़ पर बेड आपको चार्जेस देना पड़ता है. और अगर आप शेयरिंग में लेते हैं आप ये लगा लो कि अगर 3 लोगों की शेयरिंग है तो 400 रुपीज़, और अगर पर्सनल लेते हैं तो 2000 रुपीज़ उसका चार्ज रहता है. ओके एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर BPL जिनका कार्ड है उनके लिए फ्री रहता है. मतलब आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा, शो करना होगा, तो आपका जो ट्रीटमेंट है, जो बेड चार्जेस है वो आपका फ्री रहेगा. ओके बाकी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जब आप एडमिट होंगे तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं. ओके एंड अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ. एक्चुअली मेरा इस वीडियो को बनाने का होल एंड सोल पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हॉस्पिटल के बारे में, इस तरीके के ट्रीटमेंट के बारे में पता चले ताकि वो अपने आप को आयुर्वेदिक तरीके से हील कर सके. ओके सो मैं अभी एक्चुअली यहाँ पर एडमिट हूँ तो 8 डेज़ के लिए, बट मैं ज़्यादा लंबा एक्चुअली 8 डेज़ तक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही मैं कवर करूंगी. सो दैट क्या है कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहा है और आप जो वीडियो है वो लास्ट तक देखिए. ठीक है, मेरे को 8 डेज़ के लिए एडमिट किया गया था, बट मैं जो है 7 डेज़ में मैंने यहाँ से डिस्चार्ज ले लिया था क्योंकि मेरे घर में कुछ अर्जेंट काम था. और अभी आपने ये जो गैलरी देखी है, तो ये गैलरी जो है आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर अगर एडमिट है तो ऑब्वियसली आप नहाना धोना आपका चलेगा. तो ये एक स्पेस है जहाँ पर हम कपड़े सुखाते थे, बट अभी शायद यहाँ अलाउड नहीं है. आपको नीचे जाके एरिया मिलेगा, वहाँ आप कपड़े सुखा सकते हैं. ओके सो अभी और जो चीज़ें मुझे आपको क्लियर करनी है, एडमिट अगर आप हो रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. पहला जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप थोड़ा जल्दी आइए, ठीक है ना. और जब आप आएंगे तो आपको आप खाने की प्लेट लेकर आए, चम्मच लेकर आए, वाटर बॉटल लेकर आए, सोप लेकर आए, शैम्पू लेकर आए, कैटल है तो कैटल लेकर आए, ठीक है ना. और अगर ये चीज़ लेकर आएंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके मैं रेगुलरली अपना वेट भी चेकआउट करी थी जैसे आप देख रहे थे, ठीक है ना. और ये गाइनी वार्ड है जिसके अंदर मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर एडमिट थी 7 डेज़ के लिए. और अब ऑलरेडी मैं आपको गाइनी वार्ड के बारे में, यहाँ की क्लीनिंग के बारे में सारी कुछ मैं बता चुकी हूँ. एकदम नीट एंड क्लीन ये हॉस्पिटल है, ठीक है. और डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल है, स्टाफ बहुत हेल्पफुल है. अगर कहीं भी कुछ भी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप डिस्कस करो, वो आपको सपोर्ट करते हैं. ओके और एक्चुअली जब मैं यहाँ पर एडमिट हुई थी तो कुछ चीज़ें मैं लाना भूल गई थी. अगर आप भी कुछ चीज़ें लाना भूल जाते हैं तो आप अपने जो साथ वाले पेशेंट हैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी मतलब सपोर्टिव होते हैं, वो भी आपको हेल्प कर देते हैं. ओके कुछ मेजर चीज़ें जो आपको अपने साथ लानी है, जो आपको नहीं भूलनी है, आप न्यूज़पेपर लेकर आइए, मतलब 7-8 न्यूज़पेपर लेकर आइए, ठीक है ना. छोटा टॉवल लेकर आइए, बेडशीट लेकर आइए, पिल्लो कवर लेकर आइए, सो दैट आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो. ओके एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट जो था वो शिरोधारा था, तो मुझे बाहर से ऑयल मंगवाया गया था, तो ये ऑयल मैं लेकर आई थी. जो आप देख रहे हैं ये तिल का तेल है. ओके और जिसको जो भी ऑयल रिकमेंड किया जाता है वो उस ऑयल से जो है अपना शिरोधारा करवाता है. साथ ही मैं ये अपने घर से लेकर आई थी, ये जो आप देख रहे हैं डब्बा, ताकि जो भी रेस्ट ऑयल है वो इसके अंदर आ जाए. ओके सो ये है लंच टाइम जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. ये लंच में घिया है, दाल है, प्लेन राइस है, चपाती है, जो आप जैसे देख रहे हैं. और ये लंच में मिला था और एक्चुअली बहुत मतलब सिंपल खाना है जो कि हमें खाना चाहिए एक्चुअल में ना, और बहुत डिलीशियस फूड था. और अभी आप ये बाहर का स्नैरियो देख सकते हैं. हम शाम को बाहर आए थे अराउंड 6:30 और साथ ही आप इसमें देखिए कितना ग्रीन एरिया है, राइट.
और 6:30 बजे आए थे तो 7 बजे हम बैक हो गए थे, क्योंकि 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है यहाँ बाहर घूमना। आप अपने वार्ड में या फिर आपके वार्ड की जो गैलरी है वहाँ पर आप घूम सकते हैं, बाकी आप 7 बजे के बाद बाहर बिल्कुल परमिशन नहीं है, क्योंकि आई थिंक कुछ इश्यूज वगैरह है जिसकी वजह से वो अलाउड नहीं करते हैं। ओके, सो अभी मुझे थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताना। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट देखे जाते हैं। अर्थराइटिस का आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, पाइल्स जो बवासीर होती है वो देखा जाता है, सोराइसिस देखा जाता है, गठिया बाय देखा जाता है, साइनस देखा जाता है, माइग्रेन, पथरी, थायराइड और आँख और कान के जितने भी इश्यूज़ है वो सारे यहाँ पर देखे जाते हैं। गायनी रिलेटेड इशू भी देखे जाते हैं, जिसमें मेल इन फीमेल इनफर्टिलिटी देखी जाती है, सिस्ट देखा जाता है, पीसीओडी, पीसीओएस है, रसोली है, और जिनका ट्यूब ब्लॉक है वो सारा यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, और भी है, एंड्रोमेटेसिस है, और काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किए जाते हैं। एक्चुअली सॉरी कुछ अगर स्पेल मिस हो गया है तो, सो ये मतलब हेड टू टॉय सारे ट्रीटमेंट यहाँ देखे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये कड़ी पत्ता है, और ये आई थिंक मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या है। सो अभी आप जैसे पूरा देख रहे हैं, और अभी सनसेट हो रहा है तो ये भी देखिए। एक्चुअली यहाँ पीछे बैक साइड एक हर्बल गार्डन है, सो दैट जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं इनका मोस्टली इन हाउस ही रहता है, मतलब बाहर से तो करते ही हैं लोग आउटसोर्स, बट ये इन हाउस है जो ये जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। आप अगर देख रहे हैं तो ये अभी एलोवेरा देखा था आपने, राइट? और अभी जैसे इनके प्लेट पर इनके नेम भी लिखे हुए हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर है। सो अभी ये अभी यहाँ पर इसकी भी प्लेट आएगी, जस्ट दिस, ये शतावरी है आप जैसे देख रहे हैं। एक्चुअली मुझे इतना सच नॉलेज नहीं है इनका, बट मैंने यहाँ देख के ही मेरे को इनके बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में पता चला है। और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जड़ी बूटियाँ हैं। ओके, गुगलू भी था और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी, ठीक है। आपको नंबर प्लेट, मतलब जो ये प्लेट है इन पे आपको इनके नेम मेंशन है, तो वह आप देख सकते हैं। और साथ ही डाइट का अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो मॉर्निंग में 7 o'clock यहाँ पर चाय आ जाती है, ठीक है। और वो चाय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं नहीं। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में घूमने चली जाती थी तो मैं चाय नहीं लेती थी, और 9 to 10 मेरा हमारा ब्रेकफास्ट मिलता था, खिचड़ी है, पोहा है, और साथ में पनीर का स्लाइस मिल जाता था, और एक फ्रूट मिलता था, दूध मिलता था, तो ये सारी चीज़ मिलती थी। लंच में 3 सब्जियाँ होती थी और एक मतलब एक दाल होती है, 2 सब्जी होती है, राइस, प्लेन राइस और रोटी, ये होता है। और 7:30 to 8:30 आपको डिनर मिल जाता है, सेम रिपीट होता है, मतलब सेम सब मतलब सेम खाना तो नहीं होता, मेन्यू चेंज रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इन मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपके बेड चार्ज लगते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 30 रुपीज़ पर डे का रहता है, और आपका जो पूरा का पूरा जो फूड है वो फ्री रहता है इसके अंदर, राइट? और अभी जैसे मैं यहाँ पर ग्रीनरी इन्जॉय कर रही हूँ और काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ देख रही हूँ, उसको एनालिसिस कर रही हूँ क्या है क्या नहीं है, और काफ़ी सारे पेड़ पौधों के नाम भी मुझे यहाँ पर पता लगे कि कौन कौन से ये पेड़ पौधे हैं। सो आप भी देख सकते हैं कितना पीस है, और हाँ ये आपको ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली जो लीच थेरेपी होती है आपने सुना होगा, ये एक्चुअली यहाँ पर उनको पाला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी की जाती है, जो जिनका ब्लड गंदा खून होता है उसको निकालने के लिए एक लीच थेरेपी होती है, ये वो उस थेरेपी में ये चीज़ काम आती है, जिसे ये हिंदी में इसका नाम दे रखा है ऊपर। ओके, सो अभी ये हाँ ये एग्जैक्ट ये जो पौधा है ये लेमन ग्रास है, हाँ ये क्लोज करके, हाँ ये लेमन ग्रास है। ओके, सो अब दवाई के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लेट सपोज़ आपने आपको मेडिसिन चाहिए, और कुछ मेडिसिन हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है और कुछ नहीं होती है, तो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो जितने भी ये नियर बाय जो आयुर्वेदिक शॉपकीपर है वो आपको आकर अपना कार्ड वगैरह देते हैं। कभी भी इमरजेंसी में आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह चाहिए तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, वो ऑन गेट आपको जो है मतलब जो गेट है हॉस्पिटल का वहाँ पर आपको हैंड ओवर कर देते हैं दवाइयाँ, सो दैट आपका जो दवाई का जो शेड्यूल है वो बिगड़े ना और आपका जो ट्रीटमेंट है वो बिगड़े ना। सो नाउ यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सारा रूटीन दिखाया है, और
थोड़ा सा मैं आपको इसमें और मतलब जो चीज़ें रह गई है वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। जैसे मेरा 540 रुपीज़ का एक स्लिप बना था जिसके अंदर मैंने शिरोधारा जो भी मेरे को थारी थी सजेस्ट की गई थी डॉक्टर के हिंट पे, जिसमें शिरोधारा था, नस्य था और इसके अंदर एक और था शिरोधारा, नस्य और बस्ती, ये तीन ट्रीटमेंट हुए थे जिसका 8 डेज़ का मैंने चार 540 रुपीज़ लगा था। बेड का मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो 240 रुपीज़ उसका प्राइस था। और एंड इसके अलावा जो चीज़ें थी वो आपने देखी है, कंडीशन आपने देखी है, मैं इसे भी आपको पूरा दिखा दूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगी आप किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी आप मेरे बाल भी देख रहे होंगे कैसे थोड़ा स्टिकी स्टिकी हो रहा है, एक्चुअली मुझे शिरोधारा हुई है तो इमीडिएटली वॉश नहीं करते हैं, इनफैक्ट 3 दिन के बाद वॉश करते हैं बालों को, जैसा मुझे अभी बताया गया तो मैं उस अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। तो इसलिए काफ़ी स्टिकी स्टिकी है, इसमें काफ़ी सारा ऑयल है आप देख रहे हैं आगे पीछे, इसलिए मैंने इसको मतलब बन बना रखा है इसका पीछे। और ओवरऑल आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आज फर्स्ट डे था, मैंने अपना डाइट भी आपको दिखाया, सुबह हमें 2 रोटी और घिया की सब्ज़ी और 1 दाल थी और चावल थे, वो मुझे मतलब हमें लंच में मिले थे और इवनिंग का भी मैं अभी आपको दिखाई दूँगी। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ मतलब इस हॉस्पिटल के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरीके के ट्रीटमेंट का एडवांटेज लें। सो देखो आप तो अभी मैं थोड़ा वॉक कर रही हूँ और वॉक करते करते आपको सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ आज बेसिकली क्या क्या हुआ ट्रीटमेंट। एज यू नो मैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में अराउंड 9:30 एंड 10 o'clock के बीच में मैं आ गई थी और आते ही फिर जो भी एडमिशन प्रोसेस हुआ वो स्टार्ट हो गया था। 12 बजे तक मैंने मतलब मेरा सारा जो एडमिशन का प्रोसेस था वो पूरा कम्प्लीट हो गया। एक्चुअली उसमें कुछ फाइल वगैरह बनती है तभी जाके ही मतलब पूरा, जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तब तक वो मतलब आप लोकेट ही नहीं होते थेरेपीज़ के लिए। एंड साथ के साथ मैंने कुछ थेरेपीज़ की जो स्लिप्स थी वो मैंने यहाँ पर कटवाई, तो 540 रुपीज़ का ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में भी शेयर किया, 540 रुपीज़ फॉर 8 डेज़, जिसमें मेरी शिरोधारा रही, शिरोधारा थी और शिरोधारा के अलावा इसमें मेरा नस्य था और इसमें मेरा बस्ती था। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ नस्य नाक में तेल डाल के, जो बेसिकली जो मेन प्रोसेस होता है उसका, नाक में तेल डाल के और उसको गले से निकालना होता है, हेड मसाज अच्छे से दी जाती है और जो भी पॉइंट्स होते हैं शायद उनको प्रेस किया जाता है ताकि उसका मैक्सिमम आउटपुट जो है वो उसके अंदर मिल सके। तो यही सारी चीज़ें, तो ये रात का डिनर है। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब।